हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सरजीत और स्वागत है आपका मेरे चैनल अनबॉक्स एवरीथिंग विद मी में। फिर से आ गया हूं, नया प्रोडक्ट अनबॉक्सिंग और रिव्यू सब एक साथ करेंगे हम इस वीडियो में। आज लेकर आया हूं पीट्रॉन की तरफ से आने वाले सबसे ज्यादा पॉपुलर ट्रूली वायरलेस ईयरबड्स। 1000 रुपए के अंदर आने वाले TWS में सबसे पॉपुलर TWS है ये। पीट्रॉन की ये TWS इतने पॉपुलर हैं कि Amazon पर इसे 15,000 से ज्यादा लोगों ने रेट किया है। साथ ही बेस्ट सेलर है अपनी प्राइस सेगमेंट में। ये पीट्रॉन की तरफ से आने वाला ये सबसे कम प्राइस का TWS है और वैसे भी 1000 रुपए के अंदर वाला TWS मार्केट आज भी हॉट कैटेगरी है। तो चलिए इसे अनबॉक्स करते हैं और डिटेल टेस्टिंग करते हैं इसकी। पर उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे बहुत दिनों से फॉलो कर रहे हैं, आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। आपके चैनल को सब्सक्राइब करने से मुझे अपने काम को और बेहतर करने का सपोर्ट मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बॉक्स पर नजर डाल लेते हैं और इसमें दिए हुए कुछ हाइलाइटेड फीचर्स को जान लेते हैं। ट्रांसमिशन रेंज आपको 10 मीटर का मिलता है इसमें, 10 mm का ड्राइवर मिल जाता है इसमें आपको। फ्रीक्वेंसी 18-20 kHz की मिलती है इसमें। दोनों ईयरबड्स में आपको 50 mAh की बैटरी मिल जाती है और चार्जिंग केस की कैपेसिटी 400 mAh की है। कुछ बैटरी फीचर्स भी दिए हुए इसमें, जिसमें म्यूजिक प्ले टाइम आपको 6 घंटे का मिलता है और टॉक टाइम 5 घंटे का मिलता है। वहीं पीट्रॉन के मुताबिक स्टैंड बाय टाइम 100 घंटे का मिलता है आपको और ईयरबड्स को केस के साथ चार्ज होने में 1.5 घंटे का टाइम लगता है। इसी के साथ कलर ऑप्शंस भी यहाँ मेंशन किया है पीट्रॉन ने, ब्लैक, व्हाइट, ब्लू, ग्रीन। बॉक्स में और ज्यादा कुछ दिया हुआ नहीं है। हाँ, मैन्युफैक्चरर का डिटेल मिल जाता है इसमें आपको, जो कि ऑफ कोर्स एक चाइनीज कंपनी है। अब बात कर लेते हैं प्राइस की। बॉक्स पर इसका प्राइस 2500 रुपए दिया हुआ है, पर एक्चुअल में मैंने काफी कम में इसे खरीदा है और इसका बिल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब इसे अनबॉक्स करते हैं और इसकी डिटेल टेस्टिंग करते हैं हम। तो चलिए शुरू करते हैं। Without giving a warning, I'ma leave without giving a, giving a. But every time we say goodbye, we all know that it's a lie. Now I'm all alone, cause you never show. You say you will, but then you don't. आज भी हमेशा की तरह रिव्यू को सिंपल रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट पर डिस्कशन करेंगे, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे बिल्ड क्वालिटी एंड ड्यूरेबिलिटी की। सबसे पहले चार्जिंग केस प्लास्टिक का है और ड्यूअल टोन फिनिश में बनाया हुआ है। हालांकि कलर तो ब्लैक ही इस्तेमाल किया है पीट्रॉन ने, ग्लॉसी और मैट ब्लैक। सामने नीचे की तरफ आपको पीट्रॉन की ब्रांडिंग मिलती है और 4 इंडिकेटर लाइट मिलते हैं। पीछे की तरफ नीचे देखते हैं तो माइक्रो यूएसबी पोर्ट मिल जाता है आपको। चार्जिंग केस का ढक्कन खोलने पर सामने की तरफ आपको ईयरबड्स रखने की जगह दिखती है, एक रीसेट बटन मिल जाता है और लेफ्ट राइट की मार्किंग मिल जाती है। चार्जिंग केस का लुक बहुत अट्रैक्टिव नहीं है, पर प्रैक्टिकली कॉम्पैक्ट है, हल्का है, आप कैरी कर सकते हैं। बात करूं इसकी ड्यूरेबिलिटी की, बहुत ज्यादा ड्यूरेबल नहीं लगता है मुझे ये। इस प्राइस पर ज्यादा कंप्लेंट नहीं कर सकता हूं, चार्जिंग केस की क्वालिटी एवरेज है। आगे बढ़ता हूं, ईयरबड्स की बात कर लेते हैं। ईयरबड सिंगल कलर ग्लॉसी ब्लैक में मिलता है आपको और इसमें एक ब्लू कलर की रिंग मिल जाती है, जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव दिखती है और इसके लुक को एनहांस करती है। और पर्सनली मुझे चार्जिंग केस के मुकाबले में ईयरबड्स ज्यादा प्रीमियम लगते हैं। ईयर टिप्स की क्वालिटी भी अच्छी है और कानों में अच्छी तरह से बैठते हैं ये। हालांकि इनका साइज थोड़ा सा बड़ा है और थोड़े से भारी भी फील होते हैं, बट फिर भी लुक्स वाइज मेरा थम्स अप है ईयरबड्स को। ईयरबड्स में आपको लेफ्ट और राइट की मार्किंग मिल जाती है, साथ ही सिंगल नॉइस कैंसिलेशन माइक और एक LED मिलती है जो ब्लू और रेड में ब्लिंक होती है। सो ओवरऑल चार्जिंग केस के मुकाबले में ईयरबड्स की क्वालिटी मुझे अच्छी लगी। जैसे ही आप इन्हें चार्जिंग केस में डालते हैं, चार्ज होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसमें लगी LED लाइट रेड कलर में ब्लिंक होती है और चार्जिंग केस की भी चार्जिंग इंडिकेटर लाइट ऑन हो जाती है। सबसे पहले कनेक्टिविटी की बात कर लेते हैं। इसमें टच फंक्शनैलिटी नहीं मिलती है आपको। ईयरबड से किसी भी तरह के फंक्शन को इस्तेमाल करने के लिए बटन्स को पुश करना पड़ता है। हालांकि मैं पर्सनली बटन्स को प्रेफर करता हूँ। जेस्चर इनपुट में बहुत सारे एक्सीडेंटल टच होते हैं, जो कि मुझे बड़ा इरिटेट करते हैं। मैंने इसे 4 से 5 फोन में कनेक्ट करके चेक किया है, बहुत ही आसानी से कनेक्ट हो जाता है। केस से निकालते ही स्टार्ट हो जाते हैं और आपस में पेयर हो जाते हैं और फोन से बहुत ही आसानी से कनेक्ट हो जाते हैं। कनेक्टिविटी हैज नो इश्यूज। अब बात कर लेते हैं फंक्शनैलिटी की और कैसे इसे आप ऑपरेट करेंगे। इसमें ड्यूअल पेयरिंग की फैसिलिटी नहीं मिलती है आपको, साथ ही मोनोपॉड की फैसिलिटी भी नहीं मिलती है, जिससे आप इसे मल्टी डिवाइस में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं और एट ए टाइम सिंगल ईयरबड भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ईयरबड्स को ऑन करने के लिए 3 सेकंड तक प्रेस करके रखना होता है आपको
उसी तरह ईयरबड्स को ऑफ करने के लिए 3 से 5 सेकंड तक बटन्स को प्रेस करके रखना पड़ता है। प्ले पॉज के लिए किसी भी ईयरबड पर सिंगल प्रेस करना होता है, वहीं नेक्स्ट और प्रीवियस करने के लिए आपको दोनों में से किसी भी ईयरबड्स में डबल प्रेस करना होता है। कॉल पिक करने के लिए किसी भी ईयरबड सिंगल टैप करना होता है। कॉल रिजेक्ट करने के लिए किसी भी ईयरबड पर डबल टैप करना होता है। दोनों में से किसी भी ईयरबड पर 2 सेकंड प्रेस करने से गूगल असिस्टेंट या सीरी एक्टिवेट हो जाती है। बात कर लेते हैं बैटरी बैकअप की। ट्रॉन के मुताबिक चार्जिंग केस आपको 400 mAh का और वहीं दोनों ईयरबड्स आपको 50 mAh कैपेसिटी के साथ मिल जाते हैं। अब ये तो नंबर्स की बात हो गई। ट्रॉन इसमें म्यूजिक प्ले टाइम 6 घंटे का और टॉक टाइम 5 घंटे का क्लेम करती है। स्टैंड बाय टाइम 100 आवर्स होने का दावा करती है। मैंने इसे तकरीबन 6 दिन टेस्ट किया और मेरी टेस्टिंग में मुझे म्यूजिक प्ले टाइम 4.5 से 5 घंटे का मिला और इसके साथ मैंने बहुत सारे कॉल्स भी इससे अटेंड किए। मैंने 2 से 3 बार ईयरबड्स को डिस्चार्ज किया, साथ ही मैंने चार्जिंग केस को भी 2 बार डिस्चार्ज किया। अगर आपका चार्जिंग केस फुल्ली चार्ज्ड है तो आप ईयरबड्स को 2 बार चार्ज कर पाएंगे। वहीं आपको चार्ज करने में इसे 1.5 से 2 घंटा लगेगा। ओवरऑल बैटरी बैकअप से कोई खास कंप्लेंट नहीं है और बैटरी बैकअप अच्छी है इसकी। बात करें फिटिंग्स की और कंफर्टेबिलिटी की, तो इसकी फिटिंग अच्छी है। कानों में अच्छी तरह से बैठ जाता है ये और आपको स्ट्रांग फीलिंग रहती है कि कानों से गिरेगा नहीं। मैंने इसे अपनी डेली लाइफ में करीब करीब सभी जगह इस्तेमाल किया और कई घंटों तक लगातार भी इस्तेमाल किया। जिम में वर्कआउट और रनिंग करते समय और ड्राइविंग में भी काफी लंबे समय तक मैंने इसे इस्तेमाल किया। हालांकि ऐसे तो कोई खास दिक्कत नहीं हुई मुझे, 1 से 1.5 घंटे इस्तेमाल करने के बाद हल्का सा कानों में दर्द होने लगता है, शायद इसकी साइज की वजह से होता है। इसके बावजूद बहुत ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होती है, इसलिए ज्यादा कंप्लेंट नहीं करूंगा। फिटिंग्स में भी बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले बात करते हैं साउंड क्वालिटी की। पीट्रॉन ने 10 mm के ड्राइवर का इस्तेमाल किया है इसमें और इसकी साउंड क्वालिटी से आपको महसूस होता है इसके ड्राइवर साइज का। मेरी टेस्टिंग के दौरान मुझे सबसे ज्यादा खुशी साउंड क्वालिटी से हुई है क्योंकि साउंड क्वालिटी इसकी बहुत बढ़िया है। बेस बहुत शानदार मिलता है आपको, ट्रेबल्स वोकल्स भी अच्छे हैं। बात करूं डिस्टॉर्शन की तो फुल वॉल्यूम पर भी बहुत ज्यादा डिस्टॉर्शन फील नहीं होता है। ईयरबड्स के लोज एंड हाईज बहुत अच्छे हैं। हाई वॉल्यूम इतना हाई हो जाता है कि आपको वॉल्यूम कम करना पड़ता है। इस प्राइस सेगमेंट में इसकी साउंड क्वालिटी से मुकाबला कर पाना बहुत मुश्किल है। मुझे इसकी साउंड क्वालिटी से कोई कंप्लेंट नहीं है, साउंड क्वालिटी इज वेरी गुड। गेम्स खेलते वक्त भी इसमें कोई परेशानी नहीं होती है और किसी भी तरह की लेटेंसी फील नहीं होती है। गेम्स में भी वॉल्यूम काफी हाई मिलती है आपको और गेम्स में होने वाले साउंड इफेक्ट भी बहुत अच्छी तरह से वर्क करते हैं। कॉल क्वालिटी भी अच्छी है, कॉलिंग में कोई परेशानी नहीं होती है। बहुत लंबे लंबे कॉल्स अटेंड किए मैंने इससे और बहुत देर तक इससे बात की है मैंने और मुझे किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। सामने वाले पर्सन की आवाज लाउड एंड क्लियर रहती है और नेक्स्ट हियरिंग पर्सन से भी कोई कंप्लेंट नहीं आती है। कॉलिंग के दौरान एक छोटी सी प्रॉब्लम होती है मुझे, जो मैंने सोचा आपको बताना चाहिए। जब भी आप किसी को कॉल करते हैं या आपको कोई कॉल आती है तो ईयरबड्स का वॉल्यूम फुल हो जाता है और ये बहुत इरिटेटिंग है और ये बहुत जोर से कानों में लगता है, फिर आपको वॉल्यूम कम करना पड़ता है। इसके अलावा कॉल क्वालिटी में कोई कंप्लेंट नहीं है, कॉल क्वालिटी इज गुड। इन सब बातों के अलावा और भी कुछ बातें हैं जो आपको जानना जरूरी है इसे लेने से पहले। इसमें वाटर रेजिस्टेंट फीचर नहीं मिलता है आपको, तो इसे इस्तेमाल करते वक्त आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा। और साथ ही इसमें वॉल्यूम अप एंड डाउन की फंक्शनैलिटी नहीं मिलती है आपको, तो ये फंक्शनैलिटी आपको फोन से ही ऑपरेट करनी पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं इसमें अच्छा क्या है और बुरा क्या है। अच्छी बातों में सबसे पहले साउंड क्वालिटी, जो कि बहुत बढ़िया है इसकी। 10 mm के ड्राइवर मिलते हैं और वो साउंड क्वालिटी में महसूस होता है। ईयरबड्स का बैटरी बैकअप अच्छा मिलता है आपको, कनेक्टिविटी अच्छी है इसकी, ब्लूटूथ रेंज अच्छी है इसकी। बात करूं कुछ बुरी बातों की, जो बहुत ज्यादा नहीं है, चार्जिंग केस की क्वालिटी थोड़ी चीप सी लगती है और चार्जिंग केस का ढक्कन भी ड्यूरेबल नहीं लगता है। हालांकि ईयरबड्स की फिटिंग अच्छी है पर ज्यादा देर इस्तेमाल करने के बाद थोड़ा सा दर्द होने लगता है कानों में। एक छोटी सी प्रॉब्लम और होती है मुझे इसमें, कभी कभी अचानक फोन से डिस्कनेक्ट हो जाता है ये और म्यूजिक सुनते हुए अचानक ही म्यूजिक बंद हो जाता है और फिर से दोबारा इसे आपको कनेक्ट करना पड़ता है। हालांकि ये 1-2 बार ही हुआ पर फिर भी मैंने सोचा कि आपको बता देना जरूरी है। अब बात कर लेते हैं फाइनल वर्डिक्ट की, इसे लेना चाहिए या नहीं। मुझे पर्सनली ये TWS पसंद आए हैं, इसकी साउंड क्वालिटी से इंप्रेस हूं मैं। 1000 रुपए के अंदर बहुत ही बढ़िया साउंड क्वालिटी प्रोड्यूस करता है ये TWS। ऐसे ही ये बेस्ट सेलर नहीं है Amazon पर, सो आई पर्सनली रेकमेंड इट टू एवरीवन। इसी प्राइस पर VCOOL Moonwalk M1 का रिव्यू किया है मैंने कुछ ही दिन पहले और उसके साथ इसका एक कंपैरिजन लेकर आऊंगा मैं बहुत ही जल्द। तो कैसा लगा मेरा रिव्यू आपको? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको लगता है मुझसे कुछ बातें छूट गई है बताने से, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या इंस्टाग्राम या फेसबुक पर पूछ सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम और फेसबुक आईडी स्क्रीन पर देख सकते हैं आप। तो चलिए आज की अनबॉक्सिंग और रिव्यू में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द फिर से कुछ नया अनबॉक्स और रिव्यू करते हुए।